नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में और नो कॉन्टैक्ट रूल से जुड़ी कन्फ्यूजन्स के बारे में, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल सुनने में तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ढेर सारी कन्फ्यूजन्स के साथ आता है। नो कॉन्टैक्ट रूल में जितनी कन्फ्यूजन्स है उस सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेकअप के बाद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारे कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम कुछ सही कर सकते हो, इसके बाद तुम्हें कुछ बेटर करना है, मतलब सब जोड़ घटा के तुम्हें अगर बेटर फील करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। सुन के थोड़ा सा मूड ख़राब कर देने वाला तुम्हें लग सकता है कि सर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट ख़त्म करना पड़ेगा। सर हम कॉन्टैक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आएँ और आप कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, यह तो सर हो ही नहीं सकता। और हमने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया तो सामने वाले को तो यही लगेगा कि भाई मेरा तो काम हो गया, मैं तो निकल जाऊँगा और तुम ही ऐसे रह जाओगे। तो नो कॉन्टैक्ट रूल सर हम फॉलो करते रह जाएंगे और नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते करते सर हमारा पार्टनर वैसे ही मूव ऑन है, वो और ज़्यादा भूल जाएगा और हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो ऐसा मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल तुम नहीं फॉलो करते हो तो ये स्थिति आ जाएगी कि भैया तुम्हारे एक्स पार्टनर को सब कुछ चाहिए होगा लेकिन तुम नहीं चाहिए होगे। रीज़न पता है मेरे दोस्त क्या है कि तुम्हारे एक्स पार्टनर को तुम क्यों नहीं चाहिए होते हो? क्योंकि तुम इतना ज़्यादा ही अवेलेबल हो जाते हो, इतना ज़्यादा ही कॉन्टैक्ट में हो जाते हो कि अब उसे नो कॉन्टैक्ट करना पड़ जाता है। क्योंकि भाई तो वो इंसान एकदम इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, प्यार के नाम पे आपसे सिर्फ टॉर्चर चल रहा है। तुम थोड़ा सा बैक जाओ, जब तुम रिलेशनशिप में, जब तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा था, ब्रेकअप होने से 2-3 महीने पहले जाओ, तो तुम देख रहे हो कितनी जद्दोजहद चल रही होगी तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में। तुम्हें हर चीज़ में टेंशन मांगनी पड़ रही होगी, प्यार मांगना पड़ रहा होगा। तुम बार बार कह रहे होगे यार मुझे पहले जैसा चाहिए, मुझे सब कुछ पहले जैसा कर दो, पहले जैसे बिहेव करो। तुम पहले जैसे नहीं रह गए, तुम बदल गए हो, स्पार्क नहीं है रिलेशनशिप में। दुनिया भर की तुम अपने एक्स पार्टनर से कंप्लेन की होगी। ये कंप्लेन पता है किस वजह से तुम कर रहे थे? क्योंकि तुम्हें पहले जैसी चीज़ें नहीं मिल रही थी। भाई तुम उस इंसान को कभी मिस नहीं करते, तुम उस मेमोरीज़ को मिस करते हो, उस इंसान की मेमोरीज़ को। और वो तुम्हें मोमेंट याद है जब तुम्हें बढ़िया लगा था, जब तुम उसके साथ थे तुम्हें बहुत बढ़िया फील होता था, तुम्हें एकदम सबसे बढ़िया लगा था। अब जीवन के बेस्टेस्ट मोमेंट तुम्हारे रिलेशनशिप के मोमेंट थे। किसी के लिए भी होते हैं मेरे दोस्त। भाई रिलेशनशिप में कोई भी कपल हो, चाहे टॉक्सिक ही क्यों ना हो, अगर आता है तो भाई शुरुआत में जितना भी हनीमून फेज चलता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, बढ़िया 3 महीने तक उसे बढ़िया ही लगता है। सारी कमियाँ हम अपने पार्टनर की इग्नोर करते हैं, हमें सिर्फ कोई अगर अच्छा लगता है तो हमारा पार्टनर। तो उसी की वजह से मेरे दोस्त तुम पीछे भाग रहे हो उस इंसान के, और तुमने इतना ज़्यादा उस इंसान से कॉन्टैक्ट कर लिया है कि उसे नो कॉन्टैक्ट की उसे ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वो इंसान इरिटेट हो गया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है भाई, तुम्हें अगर कोई मीठा खिलाएगा, थोड़ा सा खिलाएगा तो ठीक है, तुम्हें अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा खिलाएगा तो तुम्हारा मन भर जाएगा। लेकिन तुम्हारे मन भर जाने के बाद भी अगर कोई तुम्हें मीठा ऑफर कर रहा है तो तुम क्या करोगे मेरे दोस्त? तुम उससे दूर भागोगे। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती है, बस उसका नाम ही मीठा है, ठीक है, मिठाई उसका नाम ही है। वो तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लग रही है आज, अच्छी होने के बावजूद भी? क्योंकि तुम्हारा मन भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि कल तुम्हें मन नहीं करेगा। अब लेकिन कोई कंटिन्यूस तुमको मिठाई खिलाता रहे तो तुम इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम भाग जाओगे, तुम कहोगे भैया मैं जीवन में सब कुछ करूँगा बट मिठाई नहीं खाऊँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। 10 दिन तुमको छोड़ दिया जाए तुम्हें फिर मन करने लगेगा। तो उसी तरीके से मेरे दोस्त तुमने इतना कॉन्टैक्ट कर लिया है कि अब तुम्हें ही नो कॉन्टैक्ट रूल की ज़रूरत पड़ रही है। उसने नो कॉन्टैक्ट कर लिया क्योंकि अब वो यही समझ रहा है कि भैया इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने में ही भलाई है, क्योंकि प्यार व्यार तो रहा नहीं, इस रिलेशनशिप में टॉर्चर हो रहा है वो इंसान। अब तुम कहोगे सर हम अकाउंट टॉर्चर कर रहे हैं, हम तो प्यार मांग रहे हैं, हम तो हक मांग रहे हैं, पहले तो बड़ा पीछे आता था, अब नहीं आ रहा है पीछे, अब वो इंसान टेंशन नहीं दे रहा, पहले तो बड़ी टेंशन आती थी उस इंसान को, 5 मिनट भी हमारा कॉल ना जाए तो परेशान हो जाता था, अब उसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है मेरे दोस्त, बात सही है, बिल्कुल एकदम तुम्हारी बात सही है और वाजिब भी है और तुम्हारे सवाल भी सारे जायज़ हैं। लेकिन मेरे दोस्त किसको फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे? तुम्हें वही इंसान चाहिए जिससे तुम्हें प्रॉब्लम है, मतलब जिस इंसान ने तुम्हें सताया तुम्हें उस पर ही प्यार रहा है। तो उस चीज़ को अगर ठीक करना है तुमको तो तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल का फ़ायदा मेरे दोस्त पता है तुम्हें क्या होता है? कि इससे तुम्हें समझ में आता है कि एक्चुअली तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम एक लूप में फंसे हुए हो। लूप कैसा लूप है कि दिन भर मैसेज कर रहे हो, दिन भर जद्दोजहद कर रहे हो उससे बात करने की, उसको रिलेशनशिप वापस पाने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सुबह उठते हो, मैसेज चेक करते हो, दुनिया भर के मैसेज पड़े रहते हैं लेकिन उसका मैसेज नहीं पड़ा रहता है। और अगर उसका मैसेज आ भी जाता है तो भी तुम्हारी हार ही होती है, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा बढ़िया लग जाता है और तुम जज कर लेते हो कि भैया कि तुम्हें जो दिक्कत तकलीफ है उसकी दवा से तुम्हारा एक्स पार्टनर है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। पा भी जाओगे तो मेरे दोस्त तुम कुछ करने वाले नहीं हो उसके साथ, तुम सिर्फ उस इंसान से हिसाब ही करोगे कि भैया तुम्हें हिम्मत कैसे हुई तुम छोड़ के कैसे गए, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई तुमने ऐसे किया। खैर ये सब तो रही बातें तुम्हारे ब्रेकअप की। अब आते हैं भैया नो कॉन्टैक्ट रूल कन्फ्यूजन के बारे में। तो पहली कन्फ्यूजन होती है कि नो कॉन्टैक्ट रूल बस हमें काटना होता है, बस एक
45 से 60 दिन का कोर्स होता है, उनको जैसे तैसे गिर पड़ के कर लेना होता है, इसके बाद हमको सक्सेस मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल तभी काउंट होगा जब तुम जीवन में कुछ करोगे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर। जब कोई काम करोगे तभी नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के दिन काउंट होंगे। मान लो कि भैया तुमने नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में तुम पूरा साल भर रह गए और तुमने कुछ नहीं किया, पूरे टाइम एक्सको स्टॉक किया, पीछे भाग के उसको मैसेज किया, उसकी जासूसी की, फेक आईडी से उसको स्टॉक किया, तो मेरे दोस्त तुम्हारे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का एक भी दिन काउंट नहीं होगा, मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं होता है, बस 30, 45, 60 दिन, ठीक 7 दिन मैक्सिमम होता है। अगर इसी 60 दिन को तुम ईमानदारी से अगर लेते हो तो मेरे दोस्त तुम सफल हो जाओगे, तुम्हारा तुम जो चाहते हो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन अब तुम्हें सबसे पहली तुम्हारे पास दिक्कत आती है, तुम्हें यकीन ही नहीं है कि भाई नो कॉन्ट्रैक्ट काम भी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि तुम लॉजिक्स लगा रहे हो उसमें, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कंटिन्यूसली तुम्हारे एक्स के पीछे भाग रहा है और वो यही कह रहा है कि भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अगर तुम करते रह गए तब तुम्हारा एक्स पार्टनर और आगे निकल जाएगा और तुमको भूल जाएगा। तो पहली बात तुमको मैं बता दूं, कोई किसी को भूलता नहीं है, चाहे जो कर लो, उतनी ही मेमोरीज उसके पास भी हैं। अब क्वेश्चन आता है, भैया मेमोरीज हैं तो उसको याद क्यों नहीं आ रही है? सर ऐसा कौन सा तो उसने चूरन खा लिया है कि उसे याद ही नहीं आ रही है हमारी? और अपने से तो छोड़ो, हमें याद दिलाने पर याद नहीं आ रही है, जो फोटो देख के इमोशनल हो जाता था अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तुमने उठा के अपनी डेट का पहला रेस्टोरेंट जहाँ पर तुमने पहली बार उसके साथ डिनर किया था या फिर उसके साथ तुम गए थे, तुमने उसका भी बिल उठा के उसकी भी फ़ोटो उठा के भेज दिया है, उसके बाद भी इंसान इमोशनल नहीं हो रहा है, सीन करके छोड़ दे रहा है या फिर सीन कर ले रहा है तो कह दे रहा है अरे छोड़ो ये सब बातें, अब सिंगल ही रहना चाहिए। उस समय तो हम बच्चे थे, इस वजह से आ गया था, हमारा बचपना था कि हम रिलेशनशिप में आ गए, अब हम बड़े हो गए, अब हमारे अकल के ताले खुल गए, तो अब हमें लग रहा है सिंगल रहना चाहिए। तो इस तरीके के वाहियात रिप्लाई वो इंसान देता है, ये सुनकर तुम्हारा खून खोल जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है ये रीज़न तो है नहीं, क्योंकि वो इंसान तुमसे भी ज़्यादा प्यार में पागल था किसी टाइम में तुम्हारे लिए। और अब जब तुम्हारी बारी आई है तो कोई सुन नहीं रहा है, ये सोच सोच के तुम्हें गुस्सा लग रही है। तो मेरे दोस्त, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि हम किसी तरह गिर पड़ के नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर लेंगे तो काम करेगा? नहीं मेरे दोस्त, इस तरीके से काम नहीं करेगा। तुम्हें 45 से 60 दिन बिल्कुल अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब है रिलेशनशिप का व्रत रख लेना पड़ेगा, सारे काम करने हैं लेकिन रिलेशनशिप वाले काम नहीं करने हैं। कहने का मतलब है सैड रोमांटिक गाने नहीं सुनने, रोमांटिक मूवीज़ नहीं देखनी है, दूसरे के रिलेशनशिप को रिलेट नहीं करना है और सभा में अपने ब्रेकअप की स्टोरी नहीं बतानी है। और कोई भी इंसान अगर तुमसे पूछे कि हाँ भैया तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा एक्स पार्टनर कहाँ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, सीधे बता देना मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं ठीक हूँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आई एम ओके। चाहे तकलीफ हो चाहे तुम्हें ना हो, तकलीफ तो है ही तुम्हें लेकिन दुनिया को नहीं बतानी है, बहुत आराम मिल जाएगा मेरे दोस्त इस चीज़ से। और 2-3 दिन के बाद तुम देखोगे तुमसे लोग पूछना भी छोड़ देंगे, बिल्कुल भी आशिक बनने की ज़रूरत नहीं है, तो आशिक बनने कुछ नहीं बनाया। कन्फ्यूजन नंबर दो कि भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में हमको इंसान भूल जाएगा, तो मेरे दोस्त कोई नहीं भूलता है, जैसे कि मैंने बताया कोई भी किसी को नहीं भूलता है, उतनी मेमोरीज उसके पास भी हैं, बस तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, उस इंसान को याद आने लग जाएगी। और वैल्यू बढ़ाने का काम करने के लिए ही हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा कन्फ्यूजन कि भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम करेगा कि नहीं करेगा, तो मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अचूक है, एकदम अचूक है, ये काम करेगा, ये तो एक जनरल प्रोसेस है, ये हमेशा ही काम करेगा, क्योंकि ये नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इसीलिए दिया जाता ताकि तुम्हारी आदतें टूट जाए, तुम अपनी आदत से ही तो मजबूर हो मेरे दोस्त, तुम्हें आदत बनी हुई है उसके सामने प्यार का इजहार करने की, तुम्हें आदत बनी हुई है उसको बार बार मैसेज करने की, तुम्हें आदत बनी है उसको बार बार स्टॉक करने की, तो यही आदतें तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। और यही आदतें अगर टूट गई तो तुम उसके पीछे नहीं भागोगे, उसको स्टॉक नहीं करोगे, उसके लिए ढेर सारा प्यार नहीं आएगा जो कि नहीं आना चाहिए भाई, जिस इंसान ने तुम्हें सता दिया तो लॉजिक उसके ऊपर प्यार तो नहीं आना चाहिए। और तुम इसके बाद भी कह दो कि हम सर उससे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए प्यार आ रहा है, इसीलिए उसने सता दिया, हम उसको इग्नोर कर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। तुम इसलिए तुम्हें प्यार आ रहा है उस इंसान के ऊपर क्योंकि वो इंसान तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हें बात करनी है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें मना कर रहा है, तुम्हारे दिल पे आके लग गई है, क्योंकि आज तक तुम्हें किसी ने मना तो किया नहीं है और तुम्हारे मन की बात नहीं हो रही, उसने सीधे नाफरमानी की है तुम्हें हर चीज़ की, हर चीज़ पर वो ना बोल रहा है, इसीलिए तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम्हें प्यार आ रहा है, तुम चाह रहे हो भैया उससे बातें करना और वो मना कर दे रहा है, स्ट्रेट बात है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अचूक है। तो मेरे दोस्त ये 2-3 कन्फ्यूजन थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन थी, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में हर किसी को फील होती थी। तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तुमको समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों तुमको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो कैसे करना है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर करना क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।